कहते हैं एक यह आपका बीम है, एक यह आपका बीम है, बीम पे क्या लग गया लोड, पी लोड। एक कितना रिएक्शन देगा पी बाय टू, ये भी कितना देगा आपका पी बाय टू। समझिएगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे मिलेगा, ऐसा मिलता होगा है ना, पैराबोला। इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे मिलेगा, ऐसा मिलेगा। सब लोग पढ़े होंगे आप लोग आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम है ना, ये पैराबोला होगा। जहाँ आपका लोड लगेगा वहीं मैक्सिमम बेंडिंग उत्पन्न होगा, और जहाँ मैक्सिमम बेंडिंग लगता है वहाँ शियर क्या होता है आपका मिनिमम होता है। अब देखिएगा इसे हम कह रहे हैं ए बी, ठीक है, ए हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए हो जाएगा ए डबल डैश, ए हो जाएगा बी डबल डैश। अब देखिएगा आपको याद होगा यस सर में पढ़े होंगे टेन टू थीटा, टेन टू थीटा इक्वल टू टू टाउ एक्स वाई अपान सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। एंगल क्रैकिंग का एंगल कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले से निकालेंगे। किस फार्मूले से, टेन टू थीटा इक्वल टू टू एक्स वाई अपान सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ये क्या है कि एस ओ एम का टॉपिक है, एस ओ एम से इसको हम प्राप्त करते हैं। अब समझिएगा हम देखें कहाँ देखेंगे, बीम के किनारे पर, बीम के किनारे पर। देखिए बीम के किनारे पर क्या है आपका बेंडिंग मोमेंट क्या है, जीरो है। बीम के किनारे पर क्या है आपका, बीम के किनारे पर बेंडिंग मोमेंट जीरो है, तथा शियर फोर्स क्या है आपका मैक्सिमम है। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट जीरो का मतलब क्या हुआ, बेंडिंग मोमेंट जीरो, अब कुछ समझिए, पिछले वीडियो में बताए थे सिग्मा का मतलब क्या होगा आपका लंब स्ट्रेस है ना, यानी लॉन्गिट्यूड क्या होगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस, सिग्मा क्या है आपका नॉर्मल स्ट्रेस। और जहां सिग्मा लगेगा वहां क्या उत्पन्न होगा, या तो डायरेक्ट स्ट्रेस, या फिर बेंडिंग स्ट्रेस, या फिर बियरिंग स्ट्रेस। तो यहाँ क्या है बेंडिंग है, यानी यहाँ लगा होगा सिग्मा, लेकिन जहां बेंडिंग आपका जीरो है वहां हम कह सकते हैं सिग्मा एक्स या फिर सिग्मा वाई क्या होगा आपका, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई लिखेंगे क्या जीरो। भाई यहाँ नमन कितना है, नमन बेंडिंग स्ट्रेस नमन प्रतिबल कितना है जीरो, नमन प्रतिबल जीरो कब आएगा, जब आपका सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई क्या रहेगा जीरो रहेगा, तभी तो नमन जीरो आएगा। अब क्या करेंगे इसमें रखेंगे, पुट वन हो गया, पुट इन वन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका टेन टू थीटा इज कल्ट हो जाएगा आपका टू टाऊ एक्स वाई अपान क्या हो जाएगा जीरो, यानी टेन टू थीटा इज कल्ट क्या मिल जाएगा आपको अनंत मिल जाएगा है ना। तो टू थीटा इज कल्ट मिल जाएगा आपका 90, ये थीटा इज कल्ट क्या मिल जाएगा 45 अंश। और एक दूसरा थीटा मिलता है मेरा, एक और थीटा मिलेगा 45 में क्या करेंगे हम 90 को जोड़ेंगे, यानी 135 अंश पे। आपको मेन किसको याद रखना है, ए एक्स ए 45 अंश वाला। अब समझिएगा कहने का मतलब है जब आप ये थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा, किसको याद करना पड़ेगा, जो आपको जो आप एस ओ एम अच्छे से नहीं पढ़ा होगा उसको ये चीज़ें थोड़ा रटनी पड़ेगी, क्योंकि एस ओ एम में आप पढ़े होंगे मोहर सर्किल, ठीक है। तो मोहर सर्किल में आपको बताया गया होगा कि एंगल दो मिलता है, फेल्योर का एंगल कितना मिलता है दो मिलता है ना, उसमें बड़ा सा एक फार्मूला रहता है, एक तो मिलता है जितना मिलता है उसमें, दूसरा कैसे मिलता है उसमें 90 अंश जोड़ के निकालते हैं। तो एक तो आपका 45 मिल रहा है और दूसरा एंगल कैसे मिलता है उसमें 90 अंश जोड़ के निकालते हैं 135 अंश। यानी हम कह सकते हैं बीम मेरा किनारे पर कितने अंश पे फटेगा 45 अंश पे, बीम मेरा किनारे से कितने पर फटेगा 45 अंश, या फिर हम कह देंगे 135 अंश, ठीक है। मेन आपको याद रखना है 45 अंश पे। अब हम देखेंगे ये आपको समझ आया, अब देखेंगे हम समझिएगा यहाँ हम देख लेते हैं कि बीम के यहाँ नहीं दिखाई देगा आपको, नहीं दिखाई देगा यहाँ, देखिए बीम के बीच में देखिए क्या दिखाई देगा आपका, बीम के बीच में देखेंगे और समझिएगा बीम के बीच में शियर क्या है जीरो, जबकि किनारे पर शियर अधिक था या कितना भी शियर था है ना, शियर था तो शियर लिए थे, लेकिन बेंडिंग नहीं था तो नॉर्मल स्ट्रेस हम जीरो माने थे, लेकिन बीच में शियर क्या है आपका जीरो, बीम के बीच में शियर क्या है जीरो, यानी हम लिखेंगे टाउ एक्स वाई कितना है बीच में जीरो है, लेकिन सिग्मा एक्स वाई यानी हम कह सकते हैं सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जीरो आपके नहीं है, सिग्मा एक्स यहाँ हम क्या लिख सकते हैं
कि टाऊ एक्स वाई आपका जीरो नहीं है, टाऊ एक्स वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन यहाँ क्या है आपका टाऊ एक्स वाई जीरो है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का कुछ वैल्यू है। कहाँ? यहाँ सिग्मा का वैल्यू रहेगा, यानी लंब प्रतिबल का वैल्यू रहेगा, तभी तो आपका नमन मिलेगा, नमन प्रतिबल। तो यहाँ सिग्मा का तो वैल्यू है, इसको हम किस में रख देंगे, वन में, इनपुट इन फर्स्ट में रखेंगे, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा देखिएगा, यहाँ नीचे लिख रहे हैं हम, देखिए यहाँ रखेंगे तो मिल जाएगा आपका टेन टू थीटा इजकल टू, ऊपर क्या हो जाएगा जीरो, नीचे मिलेगा आपका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, यानी हम कह सकते हैं टेन टू थीटा इजकल टू क्या मिल जाएगा, जीरो, है ना, कितना मिल जाएगा जीरो। तो टेन कितने का मान टू थीटा होता है, तो होता है आपका टेन, तो हो जाएगा आपका टू थीटा इजकल टू मिल जाएगा आपका 180, है ना, थीटा कितना मिलेगा आपका 90 अंश पे, एक थीटा कितने पे मिलेगा 90 अंश, और दूसरा थीटा मिल जाएगा 90 में, जब 90 जोड़ेंगे तो कितने मिल जाएगा 180 अंश पे, नहीं नहीं जीरो, ये कितना हो जाएगा आपका टेन टू टू थीटा इजकल टू जीरो, तो टू थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यानी थीटा का मान कितना मिलेगा आपका जीरो, और दूसरा थीटा का मान कितना मिलेगा जीरो प्लस 90, यानी कितना मिल जाएगा आपका 90 अंश, ठीक है, कितना मिल जाएगा आपका 90 अंश, दिख रहा है, नहीं दिख रहा,